झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दल अपना ताल ठोक रहे हैं, वहीं राज्य में सरकार चला रही पार्टी बीजेपी खेमे में काफी हलचल है। राज्य से सीएम रघुवर दास और कैबिनेट मंत्री सरयू राय की टकराहट अब सतह पर आ रही है। सरयू राय ने राज्य के सीएम रघुवर दास पर सीधा निशाना साधा है। जमशेदपुर में सरयू राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से मेनहट का जिन बाहर निकालने की कोशिश की है। सरयू राय ने कहा है कि सिंगापुर की कंपनी मेनहट को रघुवर दास ने वित्त मंत्री रहते हुए मनमाने तरीके से बहाल किया और पक्षपातपूर्ण से काम करने का अवसर दिया। उन्होंने जांच पर भी सवाल उठाते हुए अपनी बात रखी। क्या कहा है सरयू राय ने, जरा सुनते हैं। सिंगापुर की मेनहट परामर्शी को उस समय के वित्त मंत्री और उस समय के नगर विकास मंत्री श्री रघुवर दास जी ने मनमाना तरीके से नियमों को ताक पर रखकर बहाल किया और पक्षपातपूर्ण तरीके से उसको काम करने का अवसर दिया। विधानसभा की जांच समिति में पांच अभियंता प्रमुखों की जांच समिति में विजिलेंस का जो तकनीकी कोषांग है निगरानी तकनीकी कोषांग के अभियंता प्रमुख की जांच में भी ये साबित हो गया कि परामर्शी का चयन गलत था। सरकार में रहते हुए सरयू राय ने पहले भी कई मुद्दों पर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन चुनाव में जब सरयू राय और रघुवर दास एक बार फिर से आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसे में ये चुनाव और भी दिलचस्प होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।